भारतीय इतिहास में कई नाम ऐसे हैं जिनकी गद्दारी के किस्से बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि अगर इन देशद्रोहियों ने अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो देश बहुत पहले आज़ाद हो गया होता। ये शासक देश का नमक खाकर अपने निजी स्वार्थ और घटिया राजनीति के लिए हमेशा अंग्रेजों की मदद करते रहे और लोग गुलामी का दंश झेलते रहे। मीर जाफर का नाम इस सूची में सबसे ऊपर आता है, इसलिए आइए आज बात करते हैं मीर जाफर की। बंगाल पर मुगलों के राज का दौर था। अलीवर्दी खान उस समय के नवाब हुआ करते थे। ठीक ठाक तरीके से वह अपना राज्य चलाने की कोशिश में जुटे हुए थे। इसी दौरान अरब में पैदा हुए मीर जाफर के कदम भारत पर पड़े। वह एक सैलानी बनकर भारत आया था। असल में उसने भारत के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए वह इसे नज़दीक से देखना चाहता था। माना जाता है कि वह अपने भ्रमण के दौरान वह बंगाल को देखकर मुग्ध हो गया था। यही कारण था कि उसने बंगाल में रहने का मन बना लिया था। हालांकि यह आसान नहीं था, उसे अलवर्दी के रूप में एक बड़ी चुनौती का सामना करना था। जाफर लड़कर तो बंगाल पर कब्जा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने धैर्य रखते हुए सही वक्त आने का इंतजार किया और अलवर्दी से नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी। मीर जाफर लोगों को जल्दी अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर था। देखते ही देखते वह अलवर्दी का भरोसा जीतने में कामयाब रहा और सेना का हिस्सा बनने में भी सफल रहा। यही नहीं, उसने तेजी से बढ़ते हुए सेना पर अपनी पकड़ बना ली। उसे बंगाल की सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। उसकी किस्मत उसके साथ थी। एक घटना में उसने अपनी जान पर खेलते हुए बंगाल के नवाब साहब के भांजे की जान क्या बचाई। वह स्टार बन गया। क्या राजा, क्या सिपाही, सब उसके मुरीद हो गए। जाफर अपने मंसूबों के तहत तेजी से बढ़ रहा था। बंगाल का नवाब बनने का सपना उसे नज़दीक दिखाई देने लगा था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि वह धड़ाम से गिर पड़ा। असल में मुगलों और मराठाओं के बीच उस समय संबंध अच्छे नहीं थे। अक्सर दोनों के बीच युद्ध होते रहते थे। इसी कड़ी में जाफर को अलीवर्दी की तरफ से मेदिनापुर में मराठाओं की सेना का सामना करना पड़ा था। अति उत्साह में जाफर एक छोटी सी टुकड़ी के साथ लड़ने के लिए पहुंच गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि मराठाओं की सेना इतनी बड़ी होगी। उसके पास दो विकल्प थे। पहला यह कि वह योद्धा की तरह मराठा सेना से युद्ध करे और दूसरा यह कि वह वहां से भाग निकले। एक सेनापति होने के नाते उसे पहला रास्ता चुनना चाहिए था, लेकिन मृत्यु के डर से वह वहां से कायरो की तरह भाग निकला। उसे बंगाल का नवाब जो बनना था, इसके लिए उसका जीवित रहना जरूरी था। जाफर की कायरता का यह किस्सा इतनी तेजी से फैला कि अलवर्दी तक पहुंच गया। अलवर्दी इस हरकत पर बहुत नाराज थे। उनका भरोसा जाफर पर से टूट रहा था। उन्होंने जाफर को जमकर लताड़ा। जाफर अंदर ही अंदर अलवर्दी को अपने रास्ते से हटाने की सोचने लगा। इसके लिए उसने अताउल्ला से हाथ मिला लिया, जो अलवर्दी से दुश्मनी रखता था। दोनों ने मिलकर नवाब अलीवर्दी के खिलाफ एक साजिश रची ताकि जाफर बंगाल का नवाब बन सके। उनकी साजिश कामयाब होती, इससे पहले ही इसकी खबर अलवर्दी को हो गई। उन्होंने देर न करते हुए एक झटके में जाफर को अपनी सल्तनत से बाहर निकाल दिया। जाफर अब पागल हो रहा था। उसे सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। उसे अपना सपना टूटता हुआ दिख रहा था। मरता क्या न करता, उसने दिल पर पत्थर रखा और कुछ दिन शांत रहते हुए सही मौके का इंतजार करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद अलवर्दी की मौत हो गई और उनके पोते सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब की गद्दी को संभाला। जाफर को इसी मौके की तलाश थी। वह जानता था कि सिराजुद्दौला अभी नए हैं, इसलिए उनके पास अनुभव की कमी है। ऐसे में वह बंगाल पर कब्जा कर सकता है। इसी सोच के साथ उसने बंगाल के एक व्यक्ति की मदद से सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि वह इसमें कामयाब नहीं हो सका। जाफर के लिए एक अच्छी बात यह थी कि इस बार वह पकड़ा नहीं गया था। बार बार की नाकामी से जाफर परेशान हो चुका था, इसलिए वह कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। इसी काल में अंग्रेज भी
अपनी जड़ें धीरे धीरे भारत में फैला रहे थे, उन्हें जाफर जैसे गद्दारों की जरूरत थी क्योंकि ऐसे लोग उनके लिए मददगार थे। वह जाफर की महत्वाकांक्षा को भांप चुके थे। उन्होंने मीर के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसके लिए वह किसी भी हालत में मना नहीं कर सकता था। प्रस्ताव यह था कि अगर वह अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराने में मदद करते हैं तो उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। चूंकि यह जाफर का सपना था, वह इसे किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सहमति दर्ज करा दी। जाफर और अंग्रेज़ों की इस दोस्ती ने जन्म दिया प्लासी के युद्ध को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला उस समय मुर्शिदाबाद में थे। उन्हें पता था कि ब्रिटिश सेना कभी भी उन पर हमला कर सकती है। वह अपनी सेना के साथ बिल्कुल चौकन्ने थे। जाफर और अंग्रेज़ों की इस दोस्ती ने जन्म दिया प्लासी के युद्ध को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला उस समय मुर्शिदाबाद में थे। उन्हें पता था कि ब्रिटिश सेना कभी भी उन पर हमला कर सकती है। वह अपनी सेना के साथ चौकन्ने थे। जंग का आगाज कभी भी हो सकता था। उन्हें अपनी सेना पर पूरा विश्वास था, पर वह इस बात से अनजान थे कि जाफर का दबदबा अभी भी उनकी सेना पर बना हुआ था। उन्हें लगा था कि मुगल होने की वजह से मीर जाफर उनका साथ देंगे, लेकिन सच कुछ और था। आखिरकार अंग्रेज़ों की सेना ने हमला कर दिया और शुरू हो गया प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला पूरी ताकत के साथ मोर्चे पर डटे हुए थे। उनके सैनिक अंग्रेज़ों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लग रहा था कि अंग्रेज हार जाएंगे। तभी ऐन मौके पर मीर जाफर ने सेना को आगे बढ़ने से मना कर दिया। नतीजा यह रहा कि सिराजुद्दौला जीतते जीतते हार गए। इस युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने में सफल रहा। वह इस बात से अनजान था कि वह अंग्रेज़ों की कठपुतली भर था। अंग्रेज़ों ने उसका सहारा लेकर भारत पर कब्जा करना तेजी से शुरू कर दिया था। यही नहीं, लोगों पर अंग्रेज़ों ने जुल्म करने भी शुरू कर दिए थे। जब तक जाफर को इस बात का एहसास हुआ कि वह अंग्रेज़ों का पूरी तरह से गुलाम बन चुका था, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। सभी लोग उससे नफरत करने लगे थे। उसे सबसे बड़ा गद्दार कहा जाने लगा था। अंततः वह इस बोझ के साथ मौत को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह थी मीर जाफर की कहानी, जिसकी वजह से हमारा देश लंबे वक्त तक गुलाम रहा। बंगाल का नवाब बनने की महत्वाकांक्षा और अपने स्वार्थों ने सिराजुद्दौला जैसे शासक को अंग्रेज़ों के हाथों मरवा दिया और देश को गुलामी की बेड़ी में बंधे रहने पर मजबूर कर दिया था। जाफर जैसे शासकों को भारत के लोग कभी माफ़ नहीं कर सकते। दोस्तों, मीर जाफर के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।